ये ओपन सैंडविच टोस्ट बहुत क्रिस्पी बन जाता है। आप देखिए नीचे की साइड से एकदम क्रिस्पी बन चुका है, ज़बरदस्त। और इसमें ना बहुत चटपटा टेस्ट आ जाता है, हरी चटनी, मीठी चटनी, उसी के साथ सेव है, प्याज, टमाटर, तो बहुत 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 टेस्टी बन जाता है ये आलू सैंडविच टोस्ट या फिर ओपन टोस्ट। बहुत इजी है बनाने में, तो लेट्स स्टार्ट। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। शाम की भूख के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा, टेस्टी और जो फटाफट बनकर तैयार हो जाए ऐसी डिश सर्च करते हैं। तो आज हम ऐसी ही एकदम क्रिस्पी और चटपटी डिश बना रहे हैं जिसका नाम है आलू टोस्ट चाट। तो सबसे पहले ये यहाँ पर दो आलू मैंने उबाल कर मैश कर कर लिए हैं। इस आलू में हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर ये आधा आधा चम्मच है, 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक और उसी के साथ नींबू का रस। अगर आपको चाहिए इसमें आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं खटास के लिए। आप ये अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर ये आलू मसाला बनकर तैयार है। तो यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस, इसके ऊपर पहले लगाएंगे मक्खन बटर, ताकि ये जो चटनी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं हरी चटनी, ये ब्रेड सोक न कर जाए। हरी चटनी, तो ये देखिए ये हरी चटनी की रेसिपी मैंने पोस्ट की है, तो ये बना के भी मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं। इसका कलर जैसे के वैसा है रेसिपी, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। देखिए इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ और परफेक्टली गाढ़ी दिख रही है, लवली। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये आलू का मसाला, और ये मसाला हमें क्या करना है, ऐसे प्रेस कर कर इस ब्रेड में अच्छे से स्टिक कर लेना है, ताकि ये तवे के ऊपर स्टिक ना हो जाए। चलिए अब ये रेडी है तवे के ऊपर जाने के लिए। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर, बटर के ऊपर रखेंगे ये ब्रेड और इसे कर लेंगे नीचे के साइड से अच्छे से क्रिस्पी एंड ब्राउन। नीचे के साइड से अच्छे से टोस्ट हो चुका है, पर यहाँ पर मैं रुकने वाली नहीं, ये साइड भी हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो नहीं टोस्ट किया तो भी चलेगा। ओके, ये पलट कर लवली देखिए कितना क्रिस्पी और टोस्टी हो चुका है। कितना क्रिस्पी बन चुका है, लवली। ये दूसरी साइड से भी अच्छे से टोस्ट मैंने कर लिया है, अब चेक करते हैं, देखिए लवली। अब ये निकालते प्लेट में। अब सेम इस प्रकार से हम बचे हुए टोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो बटर, ब्रेड, अब हम इसे कर लेते हैं टॉप। तो इसे इसमें टॉपिंग के लिए मेरे पास है मीठी चटनी, इसकी भी रेसिपी हरी चटनी और मीठी चटनी एक ही एपिसोड में कवर की है। बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर,
धनिया और बारीक सेब, ढेर सारा, और इसे कर लेते हैं कट। देखिए बहुत क्रिस्पी बन जाता है ये टोस्ट, लवली। तो हमारा ये ओपन सैंडविच टोस्ट बनकर तैयार है, ज़बरदस्त दिख रहा है। तीखी चटनी, मीठी चटनी, उसके साथ सेव, प्याज, टमाटर, बहुत अच्छी टेस्ट बन जाती है, एकदम चटपटा और एकदम फटाफट, कोई भी बना सकता है। रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुराज रेसिपी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुराज रेसिपी।